Good afternoon, all my dear friends. I am Himanshu Parashar from SCC, and today we are telling about how to write paragraph writing, how to write passage questions, and how to write essay writing. So, इस वीडियो में तीन चीज़ें मैं कवर करूँगा. आपको किस टाइप से लिखनी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम 10th एंड 12th दोनों के ही, और 8 तारीख को 12th का एग्ज़ाम है एमपी बोर्ड का. सो हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को आते हैं, और CBSE में भी ये आते हैं. ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ. सो पैराग्राफ राइटिंग में फर्स्ट चीज़ आपको दिख रहा होगा, 150 वर्ड्स में सबसे पहले लिखना है. फर्स्ट थिंग जो बता दूं इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे लिखा आएगा 100 टू 150 वर्ड्स, पर आपको 150 वर्ड्स में ही आपकी पैराग्राफ राइटिंग खत्म करनी है. ओके, एंड देन सेकेंड इज वेल बिगन इज हाफ डन. ये आपको प्रोवर्ब का ध्यान रखना है, ये प्रोवर्ब आपको जरूर 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 ही लिखनी है, वेल बिगन इज हाफ डन, बिकॉज प्रोवर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक अलग सा दिखेगा पैराग्राफ इससे लिखने से, वेल बिगन इज हाफ डन. बहुत सारे बच्चे नहीं लिखेंगे, जो इस वीडियो को देख लेंगे वो जरूर इसको लिखेंगे, वेल बिगन इज हाफ डन, और जरूर लिखें आप. ओके, नंबर नहीं कटेंगे आपके. यूनिटी ऑफ पर्पस एंड यूनिटी ऑफ थॉट, दो चीज़ों का वेल बिगन इज हाफ डन लिखने के बाद ये दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखें. आप जो लिख रहे हैं, आपका उद्देश्य और आपके विचार एकदम सही होने चाहिए. तो ये था आपका पूरा पैराग्राफ राइटिंग के बारे में. आप इसको अच्छे से देख लें और नोट डाउन कर लें. वेल बिगन इज हाफ डन, ये प्रोवर्ब है, और आपको ध्यान रखना है यूनिटी ऑफ पर्पस एंड यूनिटी ऑफ थॉट. आप किस टाइप से लिख रहे हैं, एकदम सही लिखें, कुछ गड़बड़ सड़बड़ टाइप का ना लिखें, कुछ भी ना लिखें. सिर्फ जो आपका पैराग्राफ जो आपको दिया गया, कोई भी दिया हो, मान के चलो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया हो या ड्रीम स्कूल के बारे में, सिर्फ उससे ही रिलेटेड लिखें. ओके, देन नेक्स्ट इज ऐसे राइटिंग. सो ये जो ऐसे है, ये है एनी बर्निंग प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट. सो मेरे हिसाब से 10th में और 12th में दोनों में ही जो मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बता रहा हूँ वो ये है, एनी बर्निंग प्रॉब्लम, और आप एनी बर्निंग प्रॉब्लम में अनएम्प्लॉयमेंट ही लिखें. एनी बर्निंग प्रॉब्लम में आप पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, और भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी इंडिया में उसके बारे में लिख सकते हैं, पर आप अनएम्प्लॉयमेंट का ही लिखें, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से आपको बताने जा रहा हूँ. हाँ, सेकेंड थिंग, आप 300 वर्ड्स में अपना ऐसे तो लिखें, 300 वर्ड्स से कम ना लिखें अपना ऐसे. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट ऐसे राइटिंग. ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. ध्यान से देखें इसको, इसकी ये जो प्रोवर्ब है, ये आपको लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट एनी बर्निंग प्रॉब्लम, जो दोनों में इंपॉर्टेंट है, 10th में 12th में हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट को 2018 बोर्ड्स में. ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. ये जो ऐसे है वो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे है, एनी बर्निंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी जो इंपॉर्टेंट है 10th एंड 12th में एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम 2018 में. ओके, सो ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. ओके, सो ये प्रोवर्ब से आप स्टार्ट करें लिखना. इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अ सीरियस थ्रेट टू सोसाइटी, रेमेडीज, मेजर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंक्लूजन. ये आप जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें कि आप ये टॉपिकों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेज पे अगर आप ये लिख देंगे, ये एक्सप्लेनेशन, ये टॉपिक्स के नाम लिख देंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा मार्क्स में, क्योंकि एक अलग, जितना आप क्रिएटिव और अच्छा लिखेंगे ना, उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. आपकी राइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर आप जितना इफेक्टिवनेस से लिखेंगे आपको और भी मज़ा आएगा. और जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो ये चीज़ जरूर जरूर करें, और जिनकी अच्छी है वो भी करें, क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ओके, तो ये था हमारा ऐसे का और पैराग्राफ का. इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से नोट डाउन कर लें. अगर आप यही पॉइंट्स लिखना चाहते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, और सेकेंड जो पॉइंट है वो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ए सीरियस थ्रेट ऑफ द टू द सोसाइटी, रेमेडीज या मेजर, एक ही बात है होती हैं, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंक्लूजन. ओके, सो अब मैं पैसेज के बारे में बात कर लेता हूँ. सो पैसेज के बारे में कुछ ऐसा है नहीं, पैसेज तो आपको उसमें से ही ढूंढ के लिखना है, पर आपको मैं एक टिप्स दे देता हूँ जो मैं करता हूँ और जो काफ़ी सही है काफ़ी हद तक. सो फर्स्ट आप कॉन्फिडेंट होके
उस पैसेज को अच्छे से एक बार पढ़ना, बस एक बार पूरा रीडिंग मार लें, रुके नहीं कोई भी लाइन लेकर कि यार ये समझ में नहीं आई तो रुक गए, नहीं एक बार पूरा पैसेज पढ़ लें और फिर उसके आंसर ढूंढें उसमें, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसा कई बार होता है कि ऐसे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं जो हम उसके मीनिंग नहीं जानते, डोंट वरी आप उस मीनिंग को पूरी तरीके से छोड़ दें, पर जो आप कर सकते हैं उन पे ध्यान दें, ओके। सो फर्स्ट कॉन्फिडेंट होके आपको आपका जो ऐसा पैसेज आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है। 3 या 4 पैसेज आएंगे आपके बोर्ड में 10th और 12th और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, MP बोर्ड में, ओके। सो ऐसे राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।